Hello and welcome to TV का पटाका, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, बढ़ गई हैं राखी के सोकर्पति आदिल खान की मुश्किलें. जी हाँ, आदिल खान दुर्रानी की हालत हो गई है खराब, क्योंकि राखी की FIR के बाद जहां हुई आदिल की गिरफ्तारी, तो अब आदिल को भेज दिया गया है 14 दिनों की पुलिस हिरासत में. क्या कुछ हुआ है और क्या है खबर, चलिए आपको बताते हैं रिपोर्ट में टीवी का पटाखा की. पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें. दोस्तों, राखी सावंत को पता है किस तरह से लाइमलाइट बतोड़ी जाती है. पहले जहां एक ओर राखी ने अपने पति पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए, कभी कहा कि इसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मेरे पैसे लिए, मेरे जेवर लिए, यहाँ तक कि मेरे घर तक में मुझे बिना बताए घुस गया. पर अब राखी सावंत के पति के ऊपर कई तरह के केस कर दिए गए हैं. जी हाँ, हम आपको बता दें कि राखी की FIR के बाद आज कोर्ट में पेशी हुई राखी के पति आदिल दुर्रानी की. और अब ऐसे में आदिल दुर्रानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जी हाँ, राखी ने ये भी आरोप लगाया है अपने पति पर कि जून के महीने में जो राखी और उनके पति आदिल का ज्वाइंट अकाउंट था, जिसे बिजनेस अकाउंट के तौर पर खोला गया था, उसमें से आदिल ने 1.5 करोड़ रुपए जून के महीने में निकाले और उससे गाड़ी खरीदी. और उस समय राखी ने नहीं रोका, क्योंकि आदिल ने कहा था वो राखी से शादी करेगा. दोस्तों, क्या कहेंगे आप, क्या अब राखी का पति आदिल इन सब मुश्किलों से बाहर आ पाएगा? क्या लगता है आपको कि राखी के केस में कौन है सही, कौन है गलत, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें.